फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर है और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इस सेंटेंस में गेट टू का क्या इस्तेमाल है। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि गेट टू को कैसे इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स इस शानदार लेसन की शुरुआत करते हैं। आइए फ्रेंड्स सबसे पहले उस कमेंट की बात कर लें, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। कमेंट में लिखा हुआ था, विल यू गेट टू सी अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव एंड नसरुद्दीन शाह टुगेदर ऑन स्क्रीन। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है, क्या आपको अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव और नसरुद्दीन शाह को एक साथ स्क्रीन पर देखने का मौका मिलेगा। यहाँ गेट टू का मतलब मौका मिलना यानी गेट अ चांस। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आई। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आप गेट टू वाले सेंटेंसेस को आसानी से बोल सकें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको गेट के बारे में कुछ बातें बता दूं जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे गेट मींस मिलना, गेट मींस जानना, गेट मींस पाना। लेकिन अगर हम बात गेट टू की करें तो गेट टू का इस्तेमाल दो सेंस में किया जाता है। पहला का मौका मिलना और दूसरा गायब हो जाना या चले जाना। तो आइए सबसे पहले गेट टू का इस्तेमाल का मौका मिलने के सेंस में देखें, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां गेट टू का इस्तेमाल गायब हो जाना या कहीं चले जाना के सेंस में होगा। यहां मैं एक बात और आपसे कह दूं कि गेट टू का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी आपके सेंटेंस जिस टेंस में हो आप उस टेंस में अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। और मुझे यकीन है कि आपको टेंस आता है क्योंकि मैंने पार्ट 6 से लेकर 10 के बीच में सभी टेंसेस को बताया और यह वीडियो नंबर 400 है, यानी आज मेरे 400 वीडियोस पूरे हुए। आइए इस कंसेप्ट को समझें। अगर लिखा हो सी शुड गेट टू स्पीक इंग्लिश, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ उसे इंग्लिश बोलने का मौका मिलना चाहिए। यानी इस बात को आप सिंपली ऐसे कहते होंगे, सी शुड गेट अ चांस टू स्पीक इंग्लिश। आइए फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई शुड गेट टू डू दिस, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मुझे यह करने का मौका मिलना चाहिए। कॉमन यूज में आप कहते होंगे आई शुड गेट अ चांस टू डू दिस। तो गेट अ चांस का मतलब गेट टू, यह एक फ्रेज वर्ड है जिसका मतलब होता है मौका मिलना। अगर लिखा हो ही गेट्स टू अर्न मनी बट ही इज लेजी, तो इसका मतलब हुआ उसे पैसा कमाने का मौका मिलता है लेकिन वह आलसी है। यानी उसे मौका तो मिलता है बट वह आलसी है। अगर इस सेंटेंस को मैं पास्ट में बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ, अगर मुझे कहना हो उसे पैसा कमाने का मौका मिला तो मैं गेट्स के जगह पर बोलूंगा गॉट। मैं कहूंगा ही गॉट टू अर्न मनी बट ही वॉज लेजी, यानी वो आपसी था। कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूँ फ्रेंड्स कि गेट टू का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करें। अगर आपके सेंटेंस रहा रही में है तो आप गेटिंग, अगर गुजर गया तो गॉट, परफेक्ट टेंस है तो हैव एज के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आइए फ्रेंड्स गेट टू का इस्तेमाल चले जाना या गायब हो जाना के सेंस में देख लें। गायब हो जाना मतलब चले जाना, यह एक कहने का तरीका है। वह कल घर चला गया था, यह सेंटेंस पास्ट का है। आप कहेंगे ही गॉट टू हाउस यस्टरडे, तुम मीटिंग के दौरान कहां गायब हो गए थे। तो फ्रेंड्स ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप कहेंगे वेयर डिड यू गेट टू ड्यूरिंग मीटिंग, यानी मीटिंग के दौरान तुम कहां चले गए थे, कहां गायब हो गए थे। आइए फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम रविवार को कहां गायब हो जाते हो, ये प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। Where do you get to on Sunday? यानी संडे के दिन तुम कहां गायब हो जाते हो या कहां चले जाते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको गेट टू का इस्तेमाल समझ में आया कि गेट टू का इस्तेमाल मौका मिलना और गायब हो जाना या चले जाना के लिए करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।